अब तो फिलहाल पूरे देश में सबसे सशक्त आईडी प्रूफ माना जा रहा है। सरकार देश के सभी नागरिकों को अपना आधार कार्ड जल्द से जल्द बनवाने की अपील भी कर रही है, मगर गरियाबंद जिले में आधार कार्ड बनवाने की मुकम्मल व्यवस्था नहीं होने के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। देवभोग विकासखंड की 54 पंचायतों में आधार कार्ड बनाने की जिम्मेदारी 2 लोक सेवा केंद्रों को मिली है। लोक सेवा केंद्र कम और हितग्राही ज्यादा होने के चलते यहां पर आधार कार्ड बनवाना लोगों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। लोगों को खाना पीना छोड़कर रत जगह करना पड़ रहा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि लाइन में खड़े लोगों की हालत देखकर यहां पर समाज सेवियों द्वारा चाय नाश्ते की व्यवस्था करनी पड़ रही है। क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारी जमीनी हालत से पूरी तरह वाकिफ हैं और मानते हैं कि 2 लोक सेवा केंद्रों के भरोसे पूरे क्षेत्र के आधार कार्ड समय पर बनाया जाना संभव नहीं है, फिर भी हालत बदलते हुए नजर नहीं आ रहे। अब ऐसे में जिन नागरिकों का आधार कार्ड तय समय सीमा पर नहीं बन पाएगा, उनकी सरकारी योजनाओं से लाभ उन्हें नहीं मिलने पर जिम्मेदारी किसकी होगी? ये सवाल अभी तक बना हुआ है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। सर कितना बजे? 9 बजे से सुबह। सुबह हाँ, फिर इधर 3 बजे का डोर था, 3 बजे तक अभी तक तो बना नहीं। अच्छा, तो उस समय क्यों नहीं बना पाए थे आप लोग? उस समय सर हमारा बच्चा अभी तो छोटा था ना, 2 साल का बच्चा है। हाँ, पत्नी का जोड़ा ना सर। हाँ, गुरुवार दिन से हम लोग आ रहे हैं। अच्छा, फिर अभी तक 6 बजे का डेट था, 12 बजे का टाइम है रात का, तो रात तक रुकोगे? रात तक रुकना पड़ेगा सर, जैसे करके बनाना चाहिए। 9 बजे तो 9 अपने पर मेहमान के लिए हो जाए। सुबह हम लोग यहाँ तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पुरुषोत्तम पात्र हमारे संवाददाता गरियाबंद से फोनलाइन जुड़ गए हैं। पुरुषोत्तम, एक क्षेत्र के लोगों के लिए 2 केंद्र बनाए गए हैं आधार कार्ड के लिए, संभव है इतने सारे लोगों का आधार कार्ड बन पाएगा 2 केंद्रों पर? ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जो अकेले देवभोग विकासखंड में करीबन 15,000 ऐसे बच्चे हैं जिनका आधार कार्ड लिंक कराना है, आधार कार्ड बनाना है, जिसमें नवविवाहिता भी शामिल है। लेकिन 2 केंद्र बने हुए हैं यहाँ, केवल 2 केंद्र को आईडी पासवर्ड मिला हुआ है और एक दिन में बमुश्किल 80 से 90 एक केंद्र में बन रहा है, यानी कि लगभग 200 ही एक दिन में बन पा रहे हैं। और 29 तारीख जो है कार्ड की नवीनीकरण की अंतिम तिथि है। ऐसे में दिन रात जो है जी तोड़ मेहनत तो जो सेवा केंद्र वाले भी कर ही रहे हैं, उसके अलावा उसके लिए भारी मशक्कत उठानी पड़ रही है जो हितग्राही है उनको, मासूम बच्चों को लेकर भी वहाँ पे आके डटे हुए हैं। रात से 11-12 बजे पानी बरसात धूप इस तरह लगातार बैठे हुए हैं। और जब हमने इससे अधिकारी से बात किया तो अधिकारियों का यही कहना है कि जो 40 गरियाबंद जिले के लिए 40 जो है आईडी हैदराबाद में अप्रूवल लेने के लिए लंबित पड़ा हुआ है। लगातार जो है जो यहाँ के जो ई अधिकारी जो है वो हैदराबाद में भी संपर्क कर रहे हैं ताकि और सेवा केंद्र की संख्या बढ़ाई जाए और आईडी अप्रूवल मिल सके, लेकिन ये अभी तक के संभव नहीं हुआ है और जो है परेशानी अभी भी जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम जानकारी के लिए। एक्सप्रेस स्पेशल में फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।